नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। और आज मैं आपको दिखाता हूँ बेहद ही खूबसूरत जगह जिसका नाम है पिपाजी धाम। और ये जगह कालीसिंध नदी और आहू नदी के संगम पर स्थित है। झालावाड़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर, सिटी से बेहद ही खूबसूरत जगह। यहाँ पर हर साल पिपाजी का मेला भी लगता है तथा विशाल भंडारा का आयोजन किया जाता है। तो ये जो विशाल मंदिर आप देख रहे हैं, ये संत पिपाजी की याद में, उनकी स्मृति में यहाँ पर बनाया गया था। संत पिपाजी जो कि गागरोन में ही उन्होंने समाधि ली और बहुत ही माने हुए पहुँचे हुए संत हैं, उनकी स्मृति में ये पिपाजी धाम, जिसको कहते हैं पिपाजी आश्रम कहते हैं, बना हुआ है। ये बोर्ड लगा है मंदिर के बाहर और इस पर आप पढ़ सकते हैं श्री जगतगुरु श्री पिपाजी। और पूरा विस्तृत वर्णन यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये कालीसिंध नदी पूरे शबाब पर बहती हुई, ये मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में झालावाड़ ज़िले से प्रवेश करती है। और ख़ूबसूरत बात यह है कि ज़्यादातर जितनी भी नदियां हैं वो मध्य प्रदेश से ही निकलती है, चाहे वो आहू नदी हो, चाहे वो कालीसिंध हो और चाहे वो चंबल ही क्यों ना हो। और ये आपको दिखाई दे रहा है गागरोन किला। ये जो दीवारें हैं, ये आपको गागरोन किला, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर में शामिल है, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। और हरियाली भी यहाँ पर आपको काफ़ी देखने को मिलती है। ये पिपाजी धाम का पिछला हिस्सा, मंदिर का पिछला हिस्सा। और दूर तक आपको अरावली की पहाड़ियाँ भी नज़र आएगी, ये देखिए। और ये देवस्थान विभाग के अंतर्गत आती है ये जगह, देवस्थान विभाग इसकी देखभाल करता है। और ये एक साइड से आहू नदी बहती हुई। और ये देखिए आप, कितना ही सुंदर दृश्य। ये नीचे जाने के लिए कुछ सीढ़ियां हैं और वहाँ पर नीचे एक चबूतरा प्लेटफॉर्म भी बना हुआ था, लेकिन अभी पानी ज़्यादा होने की वजह से ये आपको दिखाई नहीं देगा। और ये मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाता हुआ, अब मैं आपको दिखाता हूँ दोनों नदियों का संगम। एक तरफ जो आप देख रहे हैं ये है कालीसिंध नदी और दूसरी तरफ जो मैं अपना कैमरा का डायरेक्शन कर रहा हूँ, ये आ रही है आहू नदी। आहू नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है और भवानी मंडी हो करके, सुकेत के पीछे से जंगलों से हो करके, यहाँ पर गागरोन किले के पास ये दोनों नदियों का पवित्र संगम होता है। तो संगम में डुबकी तो आप सभी ने कई बार लगाई होगी, लेकिन ये भी बड़ा ही खूबसूरत संगम
दो नदियों का, और आगे जा कर के ये फिर चंबल नदी में मिल जाती है। तो अभी पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और बड़ा ही रिस्की मामला है नीचे जाना। इसमें कई सारी मछलियां तो है ही सही, लेकिन कई बार मगरमच्छ भी आ जाते हैं। और ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है नदी के, ये गागरोन किला विश्व धरोहर, ये विश्व धरोहर में शामिल है। और पीछे देखिए खूबसूरत अरावली पहाड़ी का नज़ारा, और यहाँ पर एक गांव भी है चंगेरी नाम है इस गांव का। और ये गागरोन किला खूबसूरत शानदार ऐतिहासिक। और अभी अभी यहाँ पर एक मगरमच्छ का बच्चा भी हमें नज़र आया था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की आपको दिखाने के लिए, लेकिन वो चला गया। और एक जो यहाँ पर टूरिस्ट खड़े हैं, उन्होंने लगा कि वो मेंढक है, लेकिन वो मगरमच्छ का बच्चा था। और बड़ा रिग्रेट कर रहा हूँ मैं कि मैं आपको वो दिखा नहीं सका। चलो, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको और भी खूबसूरत चीज़ें दिखाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं अनीश आप सभी से अलविदा कहता हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू हैव एंजॉयड दिस न्यू प्लेसेस। एंड देर आर सम टूरिस्ट दोज हू हैव कम हियर, वो भी नदी का नज़ारा देखने के लिए आए हैं, और कई सारे लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, आपका दोस्त अनीश। गुड बाय।